हालांकि प्रशासन ने कुछ इलाकों में पार्क खोलने की इजाजत तो दे दी, लेकिन साथ ही कई शर्तें भी लगा दी, जिसके मुताबिक ये पार्क सुबह 7 से 10 बजे तक, जबकि दोपहर 3:30 से शाम 6:30 बजे तक ही खुलेंगे। पार्क में लोगों को जिम और योग करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पार्क में जाने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली वालों को अगले 2 दिन तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 2 दिन से लू चलनी शुरू हो गई है और अगले 2 दिनों तक पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में कल भी मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। पालम में तापमान 44.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अगले 2 दिनों तक बारिश की कोई भी उम्मीद नहीं है और गर्मी इसी तरह से बनी रहेगी। अब हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे टेम्परेचर और बढ़ेंगे। हो सकता है कि पालम में 46 डिग्री तक पहुंच जाए और सफदरजंग में 45 डिग्री का भी आंकड़ा पार कर जाए अगले 2 या 3 दिनों में, क्योंकि अब जो कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, बारिश की संभावना ना के बराबर है। 27 तारीख तक हमें बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है। गुजरात के सूरत में बीती शाम एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाना पड़ा। फैक्ट्री में लगी आग की लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आग से उठ रहा धुआं भी 5 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। फिलहाल आग किस वजह से लगी ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इस आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। सूरत की तस्वीरें, हालांकि यहां आग किस वजह से लगी ये नहीं पता चल पाया, लेकिन केमिकल ये फैक्ट्री जिसके कारण आग बहुत तेजी से भड़की है, केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। ये बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। मुंबई के दहिसर इलाके में गांव लौटने के लिए जुटी मजदूरों की भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। मुंबई में फंसे यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के मजदूरों को बसों के जरिए गांव भेजा जाना था, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां मजदूरों का हुजूम उमर पड़ा और गांव लौटने की जल्दबाजी में मजदूर एक दूसरे से तय दूरी बनाए रखना ही भूल गए। ये मजदूर लाइनों में जरूर खड़े थे, लेकिन एक दूसरे से एकदम चिपके हुए थे, जबकि कई मजदूर जमीन पर बैठे हुए थे और उन्होंने भी एक दूसरे से जरा भी फासला नहीं रखा था। मजदूरों को संभालने के लिए वहां कुछ पुलिस भी मौजूद थी, जो लगातार मजदूरों से शांति और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की अपील करती दिखी। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के ये सभी मजदूर हैं जिन्हें पहुंचाए जाने की ये पूरी कवायद दिखाई पड़ेगी और जहां तक नजर जाएगी वहां तक केवल भीड़ का रेला ही आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस के लिए मजदूरों के बीच दूरी का पालन करवाना मुश्किल साबित हो रहा था। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद ज्यादातर मजदूर अपने मुंह को मास्क से ढके नजर आए। मजदूरों ने आरोप लगाया कि वो सुबह 4 बजे से लाइनों में लगे हैं, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी उन्हें किसी तरह की मदद का भरोसा नहीं मिला। प्रॉब्लम बता रहे थे, वो बोले उधर जाओ, उधर जाके बोलो, वो बोल रहे उधर जाओ, तुम्हारे जैसे 1760 खड़े किसको किसका 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 पूछते बैठेंगे। बताया गया कि वहां कई ऐसे मजदूर भी पहुंचे थे जिन्होंने बसों से गांव लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। हालांकि प्रशासन ने अपनी तरफ से मजदूरों के लिए हर संभव मदद किए जाने का दावा किया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितना जगह जगह पे ये जो चल के जा रहा है उनके लिए गाड़ी रखा है।